नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। दोस्तों, आज अर्थात 3 नवंबर सन 2020 को बिलासपुर हाई कोर्ट ने CGPSC मेंस परीक्षा को लेकर के एक अपडेट जारी किया है। ये अपडेट क्या है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा बताऊँगा। साथ ही साथ जो 3 प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या होगा, क्या 3 महीने के अंदर CGPSC मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाएगा या नहीं करा पाएगा, इसके बारे में भी पूरा का पूरा हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर क्या निर्णय आया है बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा। तो न्यायमूर्ति एक श्री गौतम भादुड़ी जी ने आज अर्थात 3 नवंबर सन 2020 के दिन एक निर्णय सुनाया है, जिसके तहत 2, 76 और 99 नंबर का जो प्रश्न है, जिसको CGPSC ने गलत आंसर लिया था, उसका आंसर को सही लेगा PSC, और उसके बाद एक फिर से नया मेरिट लिस्ट जारी करेगा और वो ये सारे के सारे काम को उसको 3 महीने के अंदर करने हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अब ये 3 प्रश्न कौन कौन से हैं। अगर हम लोग बात करें दूसरे नंबर का जो प्रश्न है वो है आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से 1 कथन सही है और दूसरा क्या है उसका कारण कहा गया है, ठीक है। तो इसके आपको स्क्रीन में प्रश्न दिख रहा होगा, एक प्रश्न ये वाला था और जो 76वें नंबर का प्रश्न था वो था वनों के क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य भारत के किस क्रम पर है। आप सभी नीचे कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने इसका प्रश्न क्या क्या लिया है, आप लोगों ने क्या क्या इसका मतलब प्रश्न जो अटेम्प्ट किए थे तो उस समय आप लोगों ने इसका क्या ऑप्शन डाला था, जिससे ये पता चलेगा कि हाँ आप जो नया लिस्ट आएगा उसमें या तो मेंस के लिए कैपेबल होंगे या अगर आप मेंस के पेपर देने वाले भी होंगे तो हो सकता है आप उस लिस्ट से बाहर आ जाए। और जो 99 नंबर का प्रश्न था वो था, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, जैसे मक्का उत्तर प्रदेश दिया है, जूट पश्चिम बंगाल दिया है, कपास महाराष्ट्र और सोयाबीन जो है वो आंध्र प्रदेश है, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको हमको सही क्रम में सजाना था। तो अब मेन है PSC को तो हाई कोर्ट ने दे दिया है समय 3 महीने का, लेकिन अब अदर राज्य का अगर कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल UP, बिहार, महाराष्ट्र, यहाँ पर ऐसे ऐसे घटनाएं बहुत बार घटित हो चुका है, ठीक है। होता क्या है, जैसे कि अगर मान लीजिए ये गलती किसका है, अधिकारियों का गलती है, उन्होंने क्या किया है अपनी गलती के कारण कुछ प्रश्न अब खुद ही प्रश्न छांटे हैं। अगर मान लो आप खुद ही प्रश्न छांट रहे हो और खुद उसका उत्तर नहीं कंफर्म बता पा रहे हो तो उस प्रश्न को मत डालो ना भाई, इससे आपको कुछ नहीं जा रहा है, जाएगा किनको, विद्यार्थियों को जाएगा। अब होगा क्या, इसको सुनिए, जो लोग अब ये 24 लोगों ने तो किया था इसके ऊपर केस, 3 प्रश्न को PSC ने गलत लिया है, तो उससे क्या होगा, नया लिस्ट जारी होगा। लेकिन जो आदमी अभी उस नए लिस्ट के हिसाब से अंदर में है, समझ में आ रहा है, जो अभी मेंस के पेपर के लिए जो तैयारी कर रहे थे और जिनका नाम आया था कि हाँ ये लोग क्या है मेंस का पेपर देंगे, रोल नंबर आया था, ठीक है, तो अब वो क्या करेंगे, वो भी कोर्ट जाएंगे। क्यों कोर्ट जाएंगे, क्योंकि जो नियम है PSC का गाइडलाइन वो 1 सप्ताह तक का समय देता है कि हाँ अगर आपको कोई भी दावा आपत्ति करना है तो उसमें करिए। लोगों ने उस समय दावा आपत्ति किया नहीं था, वो तो बाद में सीधा कोर्ट चले गए ना। तो इसके ऊपर क्या है, जो अभी मेंस का पेपर देने वाले हैं उसी टॉपिक को उठा करके वो भी चाहे तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, इससे ये दांव पेच थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए वो लोग कोर्ट नहीं जाते हैं तब तो 3 महीने के अंदर में PSC नया मेंस का पेपर करा सकता है, 3 महीने तक पूरा सूची उची जारी कर सकता है। लेकिन अगर उन लोग भी कोर्ट पहुंच गए तब फिर से दिक्कत होगा। तो अभी फिलहाल यही समझिए कि ये जो 2019 का CGPSC था फिलहाल कुछ दिन के लिए ठंडे बस्ते में है। 26 नवंबर को जो नया नोटिफिकेशन आएगा CGPSC का, उसका तैयारी करिए और इसका भी करते रहिए, क्योंकि अगर एक पेपर हो रहा है तो दूसरा पेपर का हम लोग का ऑटोमेटिक तैयारी होगा। बस यही है, और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि गलती यहाँ पर स्टूडेंट्स ने नहीं की है। 3 प्रश्न आपने सही टिक किया, गलत टिक किया, हम लोग बहुत सारा सही है बहुत सारा गलत करते रहते हैं, यहाँ पर मेन गलती है अधिकारियों का, और इसकी जिम्मेदारी तो खुद PSC अध्यक्ष को ही लेना चाहिए, जो कि अभी वर्तमान टमन सिंह सोनवानी जी हैं और उस समय भी वही थे। तो आपका क्या राय है नीचे कमेंट में बताइएगा, और मैं आप सभी के लिए हमेशा ऐसा लेटेस्ट अपडेट लेकर के आता रहता हूँ CGPSC और CG व्यापम से रिलेटेड। साथ ही साथ कुछ दिन बाद मैं ऑनलाइन वीडियो क्लासेस भी लूँगा,
तो अगर आप मैं कोई भी वीडियो नया डालता हूँ तो उसका अपडेट चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।